Now we will continue the chapter, the essay. What do our minds do when we read novels? Next है pleasure of entering the landscape. जैसे ही हम novel के work के जो भी हमारी story होती है उसके landscape में enter करते हैं तो उसका जो pleasure होता है उसके बारे में What takes place in our mind when we read a novel is an important question. Yes, exactly. जैसे भी हम किसी भी नोवेल को पढ़ते हैं ओके okay? तो उसके बाद हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है क्या सबसे पहले आता है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अ नोवेल कैन गिव अस द सेम प्लेजर दैट अ बायोग्राफी अ फिल्म और अ पेंटिंग कैन डू जो नोवेल है वो हमें सेम प्लेजर दे सकती है जैसे कि कोई बायोग्राफी देती है या कोई फिल्म देती है या कोई पेंटिंग देती है ये द इफ़ेक्ट ऑफ रीडिंग अ नावल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर लिटरेरी जर्नरेज फिल्म एंड पेंटिंग हाँ ये बात सच है कि नॉवल को पढ़ने का एक अलग ही इफेक्ट होता है जो कि लिटरेरी जर्नरेज में फिल्म में और पेंटिंग में नहीं होता है वैन वी रीड अ नावल अ न्यू वर्ल्ड इज़ रिवील बिफोर अस जब भी हम एक नावल को पढ़ते हैं तो एक नया वर्ल्ड हमारे सामने रिवील होता है शेडोज सॉरी इसको कट कर दीजिए द रियल प्लेजर ऑफ रीडिंग novel starts विद द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड नॉट फ्रॉम द आउटसाइड बट फ्रॉम द आइज़ ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट लिविंग इन दैट वर्ल्ड जब भी हम कोई नॉवल पढ़ते हैं तो उसका रियल प्लेजर क्या है उसका रियल प्लेजर हम उसको पढ़ रहे हैं एज ए रीडर ये बिल्कुल भी नहीं है जब हम उस स्टोरी में बिल्कुल घुस जाते हैं हम उसमें चले जाते हैं और जो हमारी स्टोरी का प्रोटेगोनिस्ट होता है उसकी आँखों से उसकी नज़रों से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम नॉवल को देखते हैं तो एक्चुअल में प्लेजर वही है देन वी रियलाइज दैट द लैंडस्केप हैज़ बीन कम्पोज टू रिफ्लेक्ट द थाट्स इमोशंस एंड परसेप्शंस ऑफ द फिगर विद इन इट वी ऑल्सो रियलाइज दैट द लैंडस्केप विद इन द नाइल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ द नावल्स प्रोटेगोनिस्ट फिर हमें पता चलता है कि जो रियल इमोशंस हैं रियल थाट्स हैं रियल परसेप्शन हैं वो क्या है एज अ रीडर और एज ए आउटसाइडर हम कभी भी किसी नावल को जज नहीं कर सकते हमें उसको जज करने के लिए उसको फील करने के लिए और उसका प्लेजर लेने के लिए हमें उसको प्रोटेगोनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है देन वी फील दैट वी आर इनसाइड द लैंडस्केप बिफोर दिस वी वर लुकिंग एट द लैंडस्केप फ्रॉम द आउटसाइड तभी हमको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में लैंडस्केप क्या है बाहर से देख के हम उसको नहीं जज कर सकते उसको नहीं देख सकते बट नाउ वी गो डीप इंटू द वर्ल्ड ऑफ द नावल एंड कम इन टू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द प्रोटेगोनिस्ट और तब हम जो है नावल के डीप वर्ल्ड में चले जाते हैं और जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है उसके क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आते हैं वी सी हिज फेस एंड ऑल्सो कम टू नो हिज़ट्स एंड एक्शंस हम उसका चेहरा देखते हैं चेहरा देखने से मतलब है कि हिज फेस वो क्या क्या चीज़ें फेस करता है और हमें पता चलता है कि उसके थॉट्स और उसके एक्शंस क्या हैं वी आइडेंटिफाई विद द प्रोटेगोनिस्ट और जो है प्रोटेगोनिस्ट से हम अच्छे से परिचित हो जाते हैं फैमिलियर हो जाते हैं वी नॉट ओनली अंडरस्टैंड हिम एंड शेयर हिज फीलिंग्स बट ऑल्सो स्पीक टू हिम हम केवल उसको समझते नहीं हैं बल्कि उसकी फीलिंग्स को भी शेयर करते हैं और उससे बातचीत भी करते हैं अब बात आती है ऑटोमेटिक ऑपरेशन्स की अब कुछ चीज़ें तो जो है हम एक इंटेंशन के साथ करते हैं कि हाँ ये हमें करना है नॉवल रीड के टाइम लेकिन कुछ ऑपरेशंस ऑटोमेटिक होते हैं अब जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम चल रहे हैं लेकिन उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस करता रहता है गियर करना और स्पीड को इंक्रीज़ करना हॉर्न बजाना या जो भी रोड पर सिग्नल्स होते हैं उन सबको देखना और माइंड वर्कस रेपिडली एंड कैरीज आउट मैनी ऑपरेशन साइमल्टेनियसली विदाउट बींग अवेयर दैट वी आर कैरिंग आउट दोज ऑपरेशन्स हमारा जो माइंड है वो रेपिडली वर्क करता है और बहुत सारे ऑपरेशन्स को एक साथ हैंडल करता है ऑटोमेटिक हैंडल करता है विदाउट बीग अवेयर दैट वी आर कैरिंग आउट दोज ऑपरेशन और हमारे ब्रेन को पता भी नहीं होता कि मैं इन ऑपरेशंस को कैरी कर रहा हूँ वी आर लाइक द ड्राइवर ऑफ ए कार हु इज अन अवेयर ऑफ द वेरियस ऑपरेशन बट ही इज़ परफॉर्मिंग वाइल्ड ड्राइविंग द कार एंड ही डज एवरीथिंग ऑटोमेटिकली वही एग्जाम्पल है जैसे कोई ड्राइवर एक कार को ड्राइव कर रहा है तो वो अनअवेयर होता है बहुत सारे ऑपरेशंस के साथ जो भी वो ड्राइविंग करते टाइम कर रहा होता है और सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली होता चला जाता है अब पामुक की एक कोटेशन है इसी लेसन में इसी ऐसे में पामुक एक्सप्लेन्स वी आर एग्जैक्टली लाइक सम वन ड्राइविंग अ कार हम एग्जैक्टली exactly उसकी तरह हैं जैसे कोई कार ड्राइव कर रहा है हु इज़ अनअवेयर दैट ही इज़ पुशिंग नोब्स जो कि अन अवेयर है उसको पता भी नहीं है कि वो गियर को पुश कर रहा है डिप्रेसिंग पैडल्स पैडल को प्रेस कर रहा है टर्निंग द व्हील व्हील को भी टर्न कर रहा है केयरफुली एंड इन अकॉर्डेंस विद मैनी रूल्स और बहुत सारे रूल्स के साथ वो चल भी रहा है रीडिंग एंड इंटरप्रिटिंग रोड साइंस और जो रोड पर साइन लगे हुए हैं लेफ़्ट राइट या आगे स्कूल है आगे काम चल रहा है बहुत सारे सिग्नल्स है उसकी तरफ भी उनका ध्यान है एंड चेकिंग द ट्रैफिक वाइल ही ड्राइव्स और साथ साथ जो है वो ड्राइवर है वो ट्रैफिक को भी चेक कर रहा है तो बहुत सारे ऑपरेशनस हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं वो अन इंटेंशनली होते हैं तो यही हमारे साथ नॉवल पढ़ते टाइम भी होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो थैंक यू